दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, अभी मैं मंजू मोटर्स रामगढ़ में हूँ और यहाँ पर रेनो काइगर की एक वॉकराउंड वीडियो बनाने के लिए आए थे। यहीं पर हमारे साथ में एक काइगर के कस्टमर मिले हुए हैं। सर, के नाम बताइए जी। मेरा नाम हुआ निशांत कुमार। निशांत जी हैं, और ये रेनो काइगर का कौन सा वेरियंट है सर? ये काइगर का RXT मॉडल है, सेकेंड टॉप मॉडल है। ये टर्बो में है कि नॉन टर्बो? ये एनर्जी इंजन है, नॉन टर्बो है। नॉन टर्बो है, मतलब ऑटोमेटिक में है कि मैनुअल है? ये मैनुअल है, गियर शिफ्टिंग मैनुअल है। हाँ, मैनुअल में है। और इसके ओनर है सर, इसको आपने कब परचेज किया है? ये परचेज किए हुए एक दिन हुआ, अभी कल हम लोगों को गाड़ी डिलीवरी मिली है। अभी मात्र एक ही दिन हुआ, एकदम ब्रांड न्यू है। और सर से जानते हैं कि यही कार क्यों, और इसको लेने से पहले सर कौन कौन सी कार और देख रखे थे, ताकि आपको भी एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि आपको ये कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सर, यही कार क्यों? जी, इस रेंज में ये गाड़ी अच्छी है। इसके अलावा भी हम काफ़ी गाड़ी देखे थे। इसके अलावा जैसे आपका हुंडई में हो गया, या फिर टाटा में हो गया, नेक्सॉन है या वेन्यू है, वो सब गाड़ी भी देखे थे। पर इस प्राइस में इसमें फ़ीचर ज़्यादा है और गाड़ी का लुक भी अच्छा है। फ्रंट से बैक से अच्छा लुक है और कलर अच्छा है, डुअल टोन में है, अच्छा है गाड़ी। तो इनको इस कार को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस प्राइस में इनको ये कार मिली है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी अच्छे इसमें मिल जाते हैं। फीचर अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है, ये सब अच्छा है गाड़ी का। अच्छा, इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, 1 लीटर 72 PS की पावर और ये 96 Nm का टॉर्क है। तो इस पावर फिगर से आप संतुष्ट हैं इतनी बड़ी कार के लिए? ठीक है, मतलब सिटी ड्राइव के लिए ठीक है, हाईवे के लिए अगर आपको लेना है तो आप इसका जो एक और वेरिएंट टर्बो पे जा सकते हैं, पर ठीक है, गाड़ी अच्छा है, माइलेज अच्छा आएगा। ये कितने की पड़ी थी सर आपको यहाँ? ये ऑन रोड करीब करीब 8 के करीब पड़ी है गाड़ी, 8 लाख। हाँ। ये रामगढ़ रांची की प्राइस है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। हाँ। क्योंकि हर RTO के चार्जेस जो हैं अलग लगते हैं, तो वो चीज़ है। और कुछ इसके पॉजिटिव्स बताइए जो आपको अच्छे लगे हों। पॉजिटिव में यही हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, लुक आपका कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अच्छा है, यही सब है। और क्या, और ड्राइविंग वगैरह? ड्राइविंग भी अच्छा है, मतलब स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, आपको फीचर काफ़ी सारा है अंदर में, टच स्क्रीन है, ये वो है, सब अच्छा। गाड़ी का स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छा है। और इसकी राइड हैंडलिंग का? हाँ, राइड हैंडलिंग हो गया, सस्पेंशन अच्छा है, हम लोग जितना भी चलाए थोड़ा बहुत चेक किए, सस्पेंशन अच्छा है गाड़ी का। बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। हाँ हाँ, बूट स्पेस भी एक फीचर था जो कि काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में, 405 लीटर का। वेन्यू का बूट स्पेस इससे कम है, इससे कम है। और नेक्सॉन में 350 लीटर का, जबकि इसमें 405 लीटर का, 405 लीटर का, तो वो चीज़ है। और लाइट्स का थ्रो आपको कैसा लगा? हालांकि ज़्यादा आपने इसको चलाया नहीं लेकिन इसमें फॉग लैंप नहीं है कहीं से, नाइट में ड्राइविंग में कोई दिक्कत? अभी हम लोगों को चेक करना है कि कैसा हैलोजन कैसा काम कर रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छी है, मतलब लाइट भी अच्छी है। अगर कोई इस कार को लेना चाहे तो क्या लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा? जी जी, बिल्कुल सही है, ले सकते हैं, मतलब गाड़ी सेफ्टी वाइज भी गाड़ी अच्छी है, 4 एयरबैग्स है, अच्छी है गाड़ी। अच्छा, 4 एयरबैग के साथ ही आ रहा है। तो इसके कुछ और खूबियों के बारे में अगर बताना चाहे जो आपने कंसीडर किया होगा खरीदने के? जी, और गाड़ी के अंदर आपको स्पेस काफ़ी है, मतलब आप पीछे भी बैठेंगे तो लेगरूम काफ़ी है, आप आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, टच स्क्रीन सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस गाड़ी का, स्पीकर अच्छा है, साउंड सिस्टम अच्छा है, यही सब प्लस पॉइंट्स है, फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है। और अभी ये एक दिन पुरानी ही कार है, बहुत ज़्यादा ये टेस्ट कर भी नहीं पाए हैं, और भाई का नंबर हम लोग रख लेंगे, फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इनसे संपर्क करेंगे और अपडेट आपको ज़रूर करेंगे कि फ्यूचर में ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल में फर्स्ट इम्प्रेशन में तो ये काफ़ी संतुष्ट है इस कार से। दूसरी चीज़ है कि वेन्यू भी शायद आपको पसंद आई थी, लेकिन वेन्यू का जो कलर आपको चाहिए था वेन्यू में आपको एट ए टाइम नहीं मिल रहा। तो एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि काइगर की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, आपको ये कितने दिन में मिल गई? मुझे ये गाड़ी 25 दिन में मिल गई, पर हम लोग लॉन्च होने से पहले, मतलब जब मार्केट में आई उससे पहले बुक करा चुके थे। अच्छा, अब शायद ये वेटिंग पीरियड बढ़ चुकी है। प्री बुकिंग टाइम में आपने प्री बुकिंग में बुक करवाया? ठीक है, तो 25 दिन में आपको ये मिल गई है। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जो नए बायर हैं काइगर को अगर लेना चाह रहे हैं तो उनको हेल्प जरूर करेगा, और अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर से आपको अपडेट करेंगे। और मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।